राधा दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है राधा आपका। जी राधा मिश्रा नाम है, मैं राधा मिश्रा बोल रही हूँ। जी जी हाँ बताइए। डॉक्टर साहब दवाइयाँ जो है मिलती कहाँ है, मिलती नहीं है। रोग का तो समाधान जैसे देखो तो समझ में आता ये भी मेरे रोग के लिए है, लेकिन वो दवाइयाँ नहीं मिलती। वो किया ये सब कहाँ मिलेगी। हाँ आपको कौन सी दवा नहीं मिलती ये बताइए। गोंसिया है, जैतून का सिरका है। अच्छा, जो आपको नहीं मिलता वो हमसे आप तलब कर सकते हैं। हाँ थोड़ा वेट करना पड़ेगा, हमारे यहाँ से आपको फ़ोन आएगा या आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। हेल्पलाइन नंबर भी आपको टीवी स्क्रीन पर होगा, उस पर बात करेंगे तो आपको असली दवाइयाँ पहुँचा जा सकती हैं। तो चलिए परेशान नहीं होना है। तभी अभी हमने हकीम साहब से पूछा भी था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ रॉ मटेरियल नहीं मिल पाते हैं, तो आप उसके लिए हमारी कंपनी से संपर्क साध सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर यानी कि जो नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं इन पे आप संपर्क साध दिए, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना होगा, आपको एकदम असली चीज़ ही मिलेगी। दर्शकों कोई भी आप लोग अपना प्रश्न यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा प्रश्न जो आप लोगों के जीवन को संवार सकता है यानी कि रोगमुक्त आप लोगों को बना सकता है। तो फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आशा स्वागत है आपका। नमस्कार हकीम साहब। नमस्कार जी, आदाब आशा जी। हकीम साहब मेरी उम्र है 65 इयर्स और मेरे को बीपी की, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जो कि मैं मेडिसिंस एलोपैथिक ले रही हूँ और उससे प्रॉपर ठीक उसकी हो रही है, कोई नहीं है उसकी चिंता। मगर मेरी लेफ्ट वाली टांग में वेरिकोस वेन्स हैं और वेरिकोस वेन्स के लिए हकीम साहब क्या करना चाहिए। क्या फूली हुई है, नसें फूली हुई? हाँ नसें सूजी हुई हैं। वो स्टॉकिंग्स पहनती हूँ तो ठीक है, फिर जब उतारती हूँ तो उसकी दवाई कहते कोई होती नहीं है एलोपैथिक में। अच्छा दर्द भी है क्या उसमें? ना दर्द तो नहीं है। अच्छा देखिए, इसके लिए दर्द अगर होता तो मैं उसकी दवाई बता सकता था, हम उसे सुकेड़ नहीं सकते किसी यूनानी दवा से। और उसका या एक ये इलाज है कि हम उसे काट के निकाल देते हैं डॉक्टर के मशवरे से। तो इसके मुतालिक जो डॉक्टर हैं उनकी, उनसे आप बात करें, उसको काट के निकाला भी जा सकता है। और तकलीफ नहीं है तो बहुत ज़्यादा परवाह मत करिए इसकी। और अखरोट आप दो रोज़ाना खाया करें, और अखरोट भी ऐसे हों साबुत अखरोट, और उनको तोड़ के आप खाया करें, ये शायद आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा सके। नेक्स्ट कॉलर है नानक हरिद्वार से हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार जी मैडम जी। जी नमस्कार मैडम जी, थोड़ा जुकाम और खांसी छींकें आती है जुकाम के साथ। ठीक है। एज आपकी? एज एज मेरी 34 वर्ष के आसपास है। वो कब से आती है? इसको लगभग 4 साल हो चुके हैं। ठीक है। तो देखिए वही लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा फिक्र में होने चाहिए जिनको नज़ला खांसी बलगम की शिकायत रहती है, क्योंकि जो सिम्टम है इसके संक्रमण के, महामारी के, वो इससे मिलते जुलते हैं। और जिसमें भी ये परेशानी है इंसान में कि छींकें आती हैं, बलगम खांसी कफ आता है, तो इसी में यही वो शख्स है जिसमें ये कुव्वत मुदाफियत यानी बीमारी से लड़ने की शक्ति कम होती है, इम्यूनिटी जिसमें कम होती है, वही लोग हैं। तो इन लोगों को चाहिए कि अपना खूब ख्याल रखें, यूनानी से 4-5 महीने लगातार इलाज करें तो 6 महीने भी लग जाएं। और तरीका यह है कि देखिए आपको सपिस्तान, उन्नाव और अलसी 100-100 ग्राम लेकर 20 ग्राम इसमें पीपले मिलाकर पाउडर बनाएं और सुबह शाम एक एक चम्मच खाएं, और सारे परहेज़ करें खट्टी चीज़ों के, और बाहर की चीज़ें कम से कम खाएं, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है।
नेक्स्ट कॉलर है कीर्ति नागपुर से हमारे साथ, स्वागत है कीर्ति आपका। हाँ जी, मेरी बेटी है 13 साल की, ठीक है, उसको वो लैट्रिन नहीं जाती है, 4-4 दिन में जाती है लैट्रिन और खाना भी नहीं खाती, उसको भूख ही नहीं लगती है जी। हाँ, फिक्र की बात है। और कितने साल की बताइए, कितने साल की आपकी बेटी? ये 10 साल की हो गई है। 10 साल की, ठीक है। देखिए, एक अच्छा इलाज भी है, उसे एक गिलास गर्म दूध पिलाया करें और उसमें एक या दो चम्मच बादाम का तेल मिला के उसको रोज पिलाया करें तो भूख भी उसे लगने लगेगी और लैट्रिन भी ठीक होने लगेगी। ये एक घरेलू नुस्खा है। बादाम का तेल अच्छा लेना, लोगों ने बादाम हम कहते हैं मीठा बादाम का तेल खाने वाला, तो ये देख करके देख लीजिए और फिर भी अगर फ़ायदा नहीं हो तो फिर मैं कोई नुस्खा भी बता दूंगा। ये बड़ा सेफ है इसलिए आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल हकीम साहब, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जो खाते हैं ठीक ठाक लेकिन उनको मोशन नहीं होते हैं, उन्हें ये तकलीफ़ रहती है। बहुत सारे ट्रीटमेंट भी वो करा चुके होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें तकलीफ़ होती है, गैस भी उनके पास होती है लेकिन उसके बावजूद भी एक इलाज नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए वो क्या अपना सकते हैं घरेलू नुस्खे? घरेलू नुस्खे में देखिए, हमारे किचन में इतनी अच्छी चीज़ें हैं जी, आप जिन्हें दूसरे तौर पर जानते हैं हम इन्हें दूसरे तौर पर जानते हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो सौंठ है और ये जो धनिया है और ये जो सौंफ है, सौंठ, सौंफ, धनिया और अजवाइन भी आप ले सकते हैं इसके साथ, ये चार चीज़ें हो गई। और एक चीज़ बाहर से लानी पड़ेगी, कलौंजी का नमक मिलता है, नमक कलौंजी कहते हैं, 100 ग्राम खरीद लीजिए, इन सबको पाउडर बनाइए घर में, बाहर से पिसे हुए का मैं कायल नहीं हूँ, और एक एक ग्राम 2 से 3 टाइम तक खाएं। और इसमें इतने फ़ायदे ऊपर वाले ने रखे हैं कि आप जिस वक्त जिस दिन से खाना शुरू करते हैं उस दिन से आप फ़ायदा पाना शुरू कर देते हैं, आप बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। और ये सब सेफ चीज़ें आपके घर की हैं, आपके किचन की हैं, तो ये दुनिया के अच्छे नुस्खों में कहलाता है। तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए घरेलू नुस्खे तो ऐसे ही होते हैं जो आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि आप लोग जो दवाइयों का सेवन करते हैं आप उनके साथ साथ ये नुस्खे अपना सकते हैं, फिर देखिएगा आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है, लाभ आपको मिलता है। 100 ग्राम बादाम का गोंद, जिसे कतीरा भी कहते हैं, हमारी ज़बान में कतीरा कहते हैं, नहीं तो बादाम का गोंद 100 ग्राम, कतीरा जिसे कहते हैं, और सौंठ 100 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम, और इसमें आप मिलाएंगे आंवला 100 ग्राम, इन सबको पाउडर बनाइए और 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम आप खा सकते हैं, इससे आपकी इस मर्ज को फ़ायदा मुमकिन है। चलिए, तो आपका जो मर्ज है वो ज़रूर दूर हो जाएगा लेकिन उसके लिए आप ये नुस्खे ज़रूर अपना लीजिएगा। देखिए, कोई दो ऐसी चीज़ें एक साथ खाने से जिनका आपस में नहीं खाना चाहिए या जिनका मिलन ठीक नहीं है, इससे ये सफ़ेद दाग होते हैं जो हमारे स्किन पर सफ़ेदी की निशानी के साथ आते हैं। तो जीवन बड़ा कीमती है और इसमें जब हम अनाप शनाप कुछ खाते हैं तो काफ़ी चीज़ें एक साथ नहीं खानी चाहिए। जैसे अक्सर मना करते हैं हम लोग के मछली और दूध एक साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इससे कोई ऐसा रिएक्शन हमारी बॉडी में हो सकता है जिससे हमारे सफ़ेद दाग हो जाए। तो सफ़ेद दाग वाले को सबसे ज़्यादा सब्र करना पड़ता है, कभी कभी तो वो ठीक भी नहीं हो पाते और कभी ठीक होते हैं तो इतना टाइम लग जाता है, और उसको सबसे ज़्यादा परेशानी यह है कि इस रोग से किसी को कोई नुकसान नहीं लेकिन लोग उनसे घृणा करने लगते हैं, तो ये बात गलत है। सफ़ेद दाग वाला आदमी से किसी को रोग लगता नहीं, तो उससे अच्छा बिहेव करना चाहिए। और सफ़ेद दाग वालों को देखिए, एक नुस्खा है वो आप लिख लें, टाइम बहुत लगता है, बाबची नाम की एक दवा होती है, बाबची, बाबची लें और हींग लें, ऐसे 100-100 ग्राम, असली हींग, असली बाबची और असली कलौंजी का नमक, इन सबको
ऐसे 100-100 ग्राम मिला के पाउडर बनाएं और एक चुटकी सुबह एक चुटकी शाम, जितना चुटकी में आ जाए आपके जी, इतना खाना चाहिए। और आपको अगर एक महीने में फ़ायदा नज़र आ जाए तो समझ लीजिए फिर फ़ायदा होता ही चला जाता है। चलिए इसी के साथ कॉलर्स जुड़ गए हैं, कुछ और उनसे बात कर लेते हैं। अशोक हैं गाजियाबाद से हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आदाब अशोक भाई। वो ऐसा बेसिकली 34 ये बाल टूट जाता है। आपके बाल बहुत टूटते हैं? मेरे लिए बेटे के। बेटे के? हाँ। उम्र बताइए उनकी। उम्र उनकी 33 है। 33। देखिए बेटे को आप रोज़ाना बेटे को एक नारियल पानी अगर पिला सकते हैं और तो उनके बाल रुकना मुमकिन है। और अगर और भी अच्छा इलाज चाहिए तो इसमें आधा ग्राम, एक नारियल पानी में आधा ग्राम गौन मोरिंगा मिलाकर या ऐसे खिलाकर एक नारियल पानी पिलाया करें तो बाल काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, संभाले नहीं जाते। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपके बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। हमारे साथ सबिया हैं गुलबर्गा कर्नाटक से, स्वागत है आपका। अंशु आजा जी बोलिए जी, बताइए। हेलो जी। जी मैं नीलम शर्मा बोल रही हूँ हरिद्वार से। क्या नाम है आपका? नीलम शर्मा, हरिद्वार से बोल रही हूँ मैं। जी नीलम जी, प्रश्न कीजिए। वो मैम मेरे को हकीम साहब से ये पूछना था, मेरी बड़ी लड़की है 21 ईयर की, ठीक है, और उनके ना थोड़ी के नीचे बाल आ गए हैं अभी एक साल से, हमें क्या करें उपाय जी? ठीक है, देखिए अभी यही बात चल रही थी, बाल किसी के तो कम होते हैं और किसी के ज़्यादा होते हैं और अनचाही जगहों पर होते हैं। अगर देखिए उनके हार्मोन्स का टेस्ट कराएं उनको, अगर हार्मोन्स की प्रॉब्लम है तो उसको ही कंट्रोल किया जाए, किसी किसी के हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ये आसान सा टेस्ट है, ये करा लें तो बहुत बेहतर है, और नहीं तो आप एक इलाज कर सकते हैं। देखिए कलौंजी आप जानते होंगे, कलौंजी का नमक आता है जिसे कलौंजी का एस्टेक भी कहते हैं, कलौंजी का एस्टेक, ये ऐसा 100 ग्राम के करीब खरीद लें और एक चुटकी में जितना आता है उसको रोज़ाना पानी में मिलाकर दिया करें और गर्म पानी पिलाना शुरू करें। बच्ची ग्रोथ कर रही है और गर्म पानी 5 बार पिलाएं और ये आप एक महीना करें और फिर देखें क्या फ़र्क पड़ा। और कभी कॉल नहीं भी मिले तो हमारे हेल्पलाइन नंबर से आप इस बारे में सहायता हमेशा ले सकते हैं, 24 घंटे ले सकते हैं। तो बच्ची का फिक्र आप कर रही हैं तो ज़रूर उसको फ़ायदा मुमकिन है। चलिए अब हमारे साथ जुड़ी हैं सबिया, स्वागत है सबिया आपका। हाँ अस्सलाम वालेकुम जी। वाले सलाम जी। हेलो जी सबिया बताइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वाले सलाम बताइए। हाँ वही सेहत के बारे में बोल रही हूँ मैं। हाँ हाँ बोलिए। थोड़ा मुझे कमजोरी हुई है जी। हाँ थोड़ा चलना बैठ कर उठने को ना होता जल्दी, ऐसा है। ठीक है। हाँ सभी आप एक नुस्खा घर में बना लें, सौंफ सौंठ अजवाइन और गौंसिया, ये सब चीज़ें लेकर 100-100 ग्राम पाउडर बना लें और 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम खाएं तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। चलिए तो आपको फ़ायदा होना ज़रूर मुमकिन है, लेकिन उसके लिए आपको ये घरेलू उपचार अपनाने होंगे जो अभी आपको हकीम साहब ने यहाँ पे बताए हैं। दर्शकों ऐसे ही आप लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, बस आप लोगों को इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो जी नमस्कार। मैं जी नमस्कार, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? प्रमोद बात कर रहा हूँ जी। प्रमोद बताइए क्या जानना चाहते हैं?
जानना है कि मेरे बार बार मुंह में छाले पड़ जाते हैं, क्या दिक्कत होती है इसकी वजह से? ठीक है प्रमोद भाई, एज कितनी है और कब से तकलीफ है? सर हमारी एज है 37। ठीक है जी सर। तो देखिए आसान इलाज है, आसान इलाज है अगर बहुत परेशान है इससे। वैसे तो कोई भी डॉक्टर इसकी दवा देते हैं, लेकिन एक आसान इलाज मैं बता देता हूँ। धनिया, सौंफ, सौंठ, धनिया, सौंफ, सौंठ, अलसी और कलौंजी का नमक आता है, इसे एस्टेक कलौंजी भी कहते हैं, तो ये सब 100-100 ग्राम ले लीजिए और इसका घर में पाउडर बनाएं। सब चीज़ पिसी हुई कोई चीज़ ना लाएं तो फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। और एक एक ग्राम 2-3 वक्त तक आप खाने से पहले, खाने के बाद पानी से लिया करें और कुछ ही दिन में आपका ठीक होना मुमकिन है।